अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा। अभी तक आप दूसरे की आईडी पर न जाने कितने ही सिम का इस्तेमाल कर रहे थे, हर महीने नया सिम खरीद रहे थे और साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सावधान हो जाए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। अगर आप फर्जीवाड़ा करके किसी दूसरे की आईडी पर सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना होगा, तो सावधान हो जाए। दरअसल संसद में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को रद्द कर नया टेलीकॉम बिल पेश किया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस बिल में साफ तौर पर ये चीज कही गई है कि अगर अब कोई फर्जीवाड़ा करके किसी दूसरे की आईडी पर सिम का इस्तेमाल करता है और टेलीकॉम सर्विस का उपयोग कर रहा है तो उस पर 3 साल की जेल होगी और 50 लाख का जुर्माना होगा। ये जो धोखाधड़ी हो रही है इसे रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सुनिए अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं सदन में। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल का 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सजा रखी गई है। सदन में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के 9.5 साल के कामकाज को भी बता रहे हैं कि इस 9.5 साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई। सदन में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बता रहे थे। साथ ही साथ इसमें आपको हम बताते चले कि एक पॉइंट है इस कानून में कि अगर कोई भी टेलीकॉम सर्विस का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ करता है और पाया जाता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है तो उस पर 3 साल की जेल और साथ ही साथ 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत हिंदी। नमस्कार।